तो आज हम मौजूद हैं ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया की पहली साउंड हीलर आरती सिन्हा जी के साथ। उनके पास और भी बहुत सारे गुण हैं, उन सारे गुणों के बारे में खुद मैम से ही जानते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है TRIPLE.COM पर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। हाँ, मैं आरती सिन्हा हूँ और सेंट्रल इंडिया की पहली साउंड हीलर हूँ। और आज हम लोग बात कर रहे हैं साउंड हीलिंग के बारे में। आप देख रहे हैं ये इक्विपमेंट्स जो आपके सामने रखे हैं, इनको हम कहते हैं सिंगिंग बोल्स। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि इन्हें सिंगिंग बोल्स क्यों कहते हैं। इनसे लगातार ओम की ध्वनि आती है जब इनको प्ले करते हैं। इनका सॉन्ग डिफरेंट है, दिस इज़ द साउंड ऑफ ओम। आपको मैं प्ले करके दिखाती हूँ बेशक। बिल्कुल, ये देखिएगा, दिस इज़ कॉल्ड मैलेट या स्ट्राइकर कहते हैं। ये सिंगिंग बोल है और इससे आप देखिए किस तरह की आवाज़ आती है। ध्वनि है जो लगातार प्रोड्यूस होती रहती है। और जैसे ही आप देखिए, ये मैंने बोल को प्ले किया और जैसे ही मैं इसे हाथ लगाऊंगी, ये आवाज़ बंद हो गई। अब ये आवाज़ बंद हो गई क्यों, ये आप सब जो फिज़िक्स पढ़ते हैं समझते होंगे कि साउंड कैन नॉट ओनली बी हर्ड थ्रू योर ईयर्स। अर्थात साउंड को आप सिर्फ कानों से नहीं सुनते हैं, आपका जो पूरा शरीर है ये साउंड को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस थेरेपी का, इस हीलिंग का, इन मेडिटेशंस का बेसिस यही है। कुछ बोल्स हम लोगों के पास ऐसी होती हैं जिनसे लगातार ओम की ध्वनि प्रोड्यूस होती है, पर कुछ बोल्स ऐसी होती हैं जो थेरेपी के लिए यूज़ होती हैं। उनमें से एक यहाँ रखी हुई है और आपको एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से दिखाती हूँ कि ये शरीर तक कैसे पहुँचता है। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है हमारे शरीर में कितना पानी होता है? एनी गैसेस? जहाँ तक मैं समझता हूँ 70%। 70% परफेक्ट। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी ही होता है। तो ये देखिए, मैंने एक बोल में पानी भर लिया है, ये 70% ही है। और अब आप ये समझें कि शरीर के अंदर 70% पानी है, तो मैंने इस बोल में लगभग 70% पानी ही भर लिया है। अब जब हम इस बोल को, जब मैंने इस बोल को प्ले किया था तो आपको ओम की आवाज़ आ रही थी, है ना। अब इसको जब मैं प्ले करूँगी, आप देखिएगा इस बोल के अंदर का जो पानी है ये किस तरह से वाइब्रेट होता है। आपको दिखाते हूँ, मुझे अपने से कुछ दूर ही करना पड़ेगा नहीं तो मैं गीली हो जाऊंगी। सो दिस इज़ हाउ दिस वाटर इज़ अफेक्टेड विथ द साउंड। ये देखिए, ये आप पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उछलते देख रहे हैं। इस तरह से ये बोल्स जब साउंड प्रोड्यूस करती हैं और ये आपके शरीर तक जाता है, तो शरीर के अंदर के जितने भी सेल्स हैं ये सब वाइब्रेट होते हैं। और हमारी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, दे कम बैक टू हार्मनी। जब कभी हमें बीमारी होती है, मन उदास होता है, या आप थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी है, वो डिस्टर्ब होती है। दीज साउंड्स ब्रिंग बैक दैट हार्मनी। तो ये जो साउंड है, इट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ये सब पर बहुत खूबसूरती से काम करती है। बिल्कुल, तो ये एक अद्भुत चीज़ अभी हम महसूस कर सके यहाँ पे, और हमने सभी ने देखा। लेकिन जो मैम, एक नॉर्मल मेडिटेशन होता है जी, राइट, और उससे भी बहुत कुछ चीज़ें अपनी सातों इंद्रियों को केंद्रित करने की, एक छह इंद्रियों को केंद्रित करने की जो बात आती है, इससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और किस तरीके की चीज़ों से हम उभर सकते हैं अगर हम ये साउंड हीलिंग का काम करते हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, और आप में से जिसने भी मेडिटेशन किया होगा देखा होगा कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं और दुनिया भर का वो हर विचार जो आपको कभी नहीं आएगा वो आंख बंद करते ही आने लग जाता है। एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि हम सब के दिमाग में लगभग 60,000 विचार रोज़ आते हैं। अब ये सारे विचार यहीं इकट्ठे
आते होते हैं, और जब आप आँख बंद करते हैं तो वो एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं। साधारण मेडिटेशंस में और साउंड मेडिटेशंस में जो डिफरेंस होता है, पहली चीज़ ये बहुत सरल होता है, क्योंकि मानव का स्वभाव है अगर ध्यान कहीं केंद्रित कर दिया जाए देन वी फाइंड अ थ्रेड। तो इससे जो साउंड की आवाज़ें आती हैं, जो डिज़ाइन है आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पर केंद्रित होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, ये बोल्स जो हैं ये विशिष्ट तरह से बनती हैं, हस्तनिर्मित होती हैं, और इनमें 7 धातुएं होती हैं, और इनका जो सम्मिश्रण है ये आपको लगभग 15 मिनट में थीटा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है। अब अगर आप लोग आँखें बंद करना चाहें तो आपको एक और बहुत मधुर साउंड सुनाती हूँ। बिल्कुल, हम भी सुनना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। ये जो इक्विपमेंट है ये ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होता है, ये हमारे 7 चक्रों की साउंड्स हैं, ये देखिएगा। आँखें खोल सकते हैं। और ये तो एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन है, लेकिन हम लोगों के पास इस तरह की अनेकों बोल्स हैं। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसमें मैंने 1313 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को मेडिटेशन कराया था। तो ये गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं जो डिफरेंट लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है। जैसे मैंने जेल में कैदियों के लिए मेडिटेशंस कराए हैं, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, मैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए भी काम करती हूँ, विद्यार्थियों के लिए काम करती हूँ, और बीमारियों के लिए भी काम करती हूँ। बीमारियों में विशेष रूप से मैं कैंसर का उल्लेख करना चाहूँगी। अमेरिका में एक मैनहट्टन में डॉक्टर थे, ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर मिशेल गिनॉर। उन्होंने सबसे पहले इन सिंगिंग बोल्स को अपने कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ करना शुरू किया, और जो परिणाम आए वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। इवेंचुअली ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन साउंड हीलिंग, और आज मैं भी साउंड हीलिंग को कैंसर पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जिसको आप स्वस्थ लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमार लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए यूज़ में ला सकते हैं, और जनरल जो व्यक्ति स्वस्थ है, मैं हमेशा सबको समझाती हूँ कि जब आप स्वस्थ हैं तभी मेडिटेशन शुरू करिए, ताकि आप आजीवन ऐसे ही रहें, स्फूर्ति से लबालब रहें, ऊर्जा से ओतप्रोत रहें, आपकी मेमोरी शार्प रहे, और अपने गोल्स को अच्छे से डिफाइन कर सकें और जीवन में आगे बढ़ते जाएँ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैम ने कहा, जब आप स्वस्थ रहें तभी मेडिटेशन का जो है शुरुआत कर दें, तो वो आपको हमेशा बरकरार रखेगा, हेल्दी रखेगा। मैम, ये कई तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं और सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो मुझे थोड़ा इनका काम करने का और थोड़ा डीप में बताइए ना कि कैसे ये एक मानसिकता के ऊपर, क्योंकि मानसिकता कई प्रकार की होती है और सबकी अलग अलग होती है, कईयों की बहुत चीप होती है और मैं मैं अगर उस तरीके की मानसिकता की अगर बात करूं जो ख़ास तौर से महिलाओं लड़कियों के ख़िलाफ़ रहती है, और उसको अगर मैं ऐसे किसी इक्विपमेंट के साधन से ठीक करना चाहूं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मानसिकता अलग अलग तरह की होती है, और चूंकि व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग होता है, जब हम लोग इंद्रियों की बात करते हैं, आपने महिलाओं पे बुरी दृष्टि डालने वाले या इस तरह की जो बात की है, ऐसी सोच रखने वाले लोगों की बात की है, तो इसमें हम लोगों के शरीर में 7 चक्र होते हैं जिनकी हम लोग हमेशा बात करते हैं, और अगर ये 7 चक्र व्यवस्थित रहते हैं तब आदमी परफेक्ट पर्सनैलिटी होगी, संतुलित होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका दिल अच्छा होगा, आपका आचरण अच्छा होगा। कुछ कई बार जैसे आपने देखा होगा सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, या महिलाओं के साथ आप ज़बरदस्ती करने वाले लोग होते हैं, तो हम लोगों के कुछ पर्टिकुलर चक्र होते हैं जो इन भावनाओं को केंद्रित करते हैं। हम लोग जब साउंड हीलिंग करते हैं तो 7 चक्रों को आप जैसे ही व्यवस्थित करेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान होता है, ये हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगर ये ओवर एक्टिवेटेड है तो व्यक्ति की मानसिकता गलत हो सकती है,
ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है। अगर हम इस पर वर्क करें, हमारा जो सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र होता है वो आपका पावर हाउस होता है। आपके पास पावर है, लेकिन आपने अगर गलत डायरेक्शन में लगा दी तो वो पावर गलत तरह से काम करेगी। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं ताकि आपके इनको संतुलित किया जा सके। आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जेल में मैंने जब महिलाओं के लिए वर्कशॉप की थी, आप यकीन मानिए उसमें सभी तरह की महिलाएं थीं, मतलब दफ़ा 302 वाली भी महिलाएं थीं, पर तीसरे दिन जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो इमोशनल ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर होते जाते हैं। कई बार क्या होता है, अपराधी भी देखिए परिस्थितिवश बनता है, परिस्थितिजन्य होती हैं, आप आवेश में कर जाते हैं, बाद में आपको पछतावा होता है। तो हम लोग क्लेंजिंग का भी काम करते हैं कि आप उन ब्लॉक्ड चक्रों को खोलिए। आप अपने अपराध को मान चुके हैं, उसकी सजा भुगत चुके हैं, अब उसको आप भूल जाइए और जीवन में आगे बढ़िए। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर हम में से हर व्यक्ति बचपन से मेडिटेशन करना सीख जाए तो हमारे वर्ल्ड के ऐसे मोर देन हाफ द क्राइम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मन से निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, आनंदित हैं, तो आप अच्छा ही सोचेंगे, आपके मन में गलत भावना नहीं आएगी। हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो जब आपका दिल बड़ा हो जाता है तो आपको अपना पराया कुछ नहीं रहता, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड अपना ही लगता है, आपको हर व्यक्ति अपनी बहन अपनी बेटी ही लगेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये हर तरीके के मेंटल स्टेट पर काम करने के लिए है। और मैं मान के चलता हूँ कि पर इसकी जानकारी अभी बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं है, और ये वीडियो आने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग साउंड वेव्स और फ्रिक्वेंसीज के ज़रिए हीलिंग पावर को जनरेट कर सकते हैं, इस विधा को सीख सकते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, अगर आप तक पहुँचना हो, इस इन सारी सुविधाओं का जो है लाभ लेना हो तो क्या करना होगा? देखिए, मेरा नाम आपको पता है, आरती सिन्हा, आई एम बेस्ड आउट ऑफ भोपाल, और विज़र्ड ऑफ साउंड .com मेरी वेबसाइट है। विज़र्ड ऑफ साउंड के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब में भी आप आरती सिन्हा मेडिटेशंस ढूंढेंगे या सेवन चक्रा मेडिटेशंस बाय आरती सिन्हा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और मैं खुद चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसके लिए आपका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मैं ये भी इनकरेज करती हूँ कि लोग इसको सीखें, मैं ये विधा सिखाती भी हूँ। हमारे छोटे 2 दिन के कोर्सेज से लेकर 3 महीने तक की क्लासेस होती हैं जिससे लोग इसको सीख सकते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि आरती मैम को और ज़्यादा सुनने जानने के बाद हम इस पूरी विधा का इस्तेमाल करेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी खुश रखेंगे। और खूब मेडिटेशन करिए, और खूब मेडिटेशन करिए, बिल्कुल, और खूब मेडिटेशन करिए, स्वस्थ रहिए, खूब मेडिटेट करते रहिए। ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करूँ तो मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं जब शुरुआत में मैम से मिला तो मैम ने फ्लुएंटली इंग्लिश में बात की, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऑफ कैमरा इस चीज़ को बोलना चाहूँगा, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड इसको हम सेशन में नहीं चलाएंगे, पर मैम आपकी हिंदी वाकई बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिंदी और इंग्लिश दोनों, और भी कोई लैंग्वेज जानती हैं क्या? मराठी। मराठी, ओ फाइन। तो मतलब कि बहुत सारी खूबियाँ हैं मैम के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि मैम को एक बार फिर से अपने चैनल पर लाने की कोशिश करें।